कि 23 जुलाई 2023 को जंतर मंतर दिल्ली पर हम एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सभी से विनती है कि बहुत ही समर्पित भाव से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग करें। बारिश का समय है, सावधानी बरतना है। दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पूर्व सैनिक कृपया अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जो भी साथी रैली में आ रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि कम से कम एक बोतल शुद्ध पानी का अपने साथ जरूर रखें। ख़त्म हो जाता है तो रैली स्थान पर व्यवस्था की गई है जिससे उन्हें बोतल में पानी भर के काम में लिया जा सके। और इसके अलावा भी फेडरेशन की तरफ से पानी इत्यादि की सुचारू व्यवस्था रैली स्थल पर की गई है। साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि रैली के दौरान कोई भी उकसाने वाली भाषणबाजी, किसी संगठन के खिलाफ अनर्गल बातें नहीं करेंगे हम लोग। और जो हमारे नारे होते हैं वो बहुत ही संयमित भाषा के साथ होने चाहिए। साथियों, बड़ा आयोजन है, हमें प्रशासन और पुलिस के सहयोग से हमारे इस आयोजन को संपूर्ण करना है। आप सभी को ज्ञात है कि इस 23 जुलाई की पूर्व सैनिक महारैली के लिए हमने जो सरकार को पत्र भेजा है उसमें लिखा गया है कि 23 जुलाई 2023 से पहले पहले सरकार हमारी मांगों का संज्ञान ले। जी हाँ दोस्तों, हमारे भूतपूर्व सैनिक अब चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ व्यवहार कर रही है उसको लेकर हमारे भूतपूर्व सैनिक अब जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ज़्यादा लंबा टाइम नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कल ही इस आंदोलन का आगाज है, 23 जुलाई को ये आंदोलन किया जाएगा। और ये मांगे आप देख सकते हैं, जो कि फिटमेंट फैक्टर ऑफ JCO जो कि 2.57 और जो ऑफिसर्स है 2.81, ये मुद्दे भी बड़े दिनों से चल रहे हैं लेकिन इनका कोई समाधान सरकार नहीं कर रही। बल्कि अब मोदी की तरफ से जवाब जरूर दिया गया है, खरे जवाब दिए गए हैं, चाहे वो इक्वल MSP पर हो या जो कुछ जो ORP जिनका फ़ायदा नहीं मिला PMRs को उनके लिए हो। तो यहाँ पर सरकार ने कह दिया, मोदी ने कह दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे बता दिया है कि इन पेंशन धारकों को जो फायदा है 1/7/2014 के बाद उनको नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।